अच्छा मैं भी कहूँ, ये तो जवान जहान साई हैं हमारे। हमारे जाने कब से यहाँ आए हुए हैं? इन्हें यहाँ आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बड़े फकीर साई ने भी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे सौंपी है। जरूर कोई बात देखी होगी इस पे। हाँ ये तो है, अगर बड़े फकीर साई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ तो देख कर ही इतना बड़ा बोझ डाला होगा इस मलंग पे। वैसे मैंने देखा है ज्यादा खिलते मिलते नहीं है दूसरे मुजावरों के साथ, तुम्हारे ये छोटे फकीर साई चुपचाप से रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोग या जोग लगा हो शायद, महफिल समा में भी अलग थलग ही रहते हैं, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। फिर भी किसी ने खोज लगाने की कोशिश तो की होगी। यहाँ कोई किसी की खोज में नहीं रहता, खोज लगाना और टोल लगाना दुनियादारों का काम है। यहाँ हम सब अपने रब में मगन होने के लिए जमा होते हैं, हमने तो उसे लो लगानी होती है, बाकी हर खोज फजूल और बेफायदा है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो बात है फरहाद भाऊ, अब तो तेरा खोज लगाना ही पड़ेगा। किसके इश्क में यहाँ जोगी बना बैठा है, आखिर ये राज है क्या? रानी यहाँ क्यों बैठी है अकेली? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे और कुछ छोड़ा भी नहीं हुआ, ठंड लग जानी है। चला जा, बाबा सही खाने पे इंतजार कर रहे हैं। बस दिल नहीं चाह रहा था। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है मेरी धी रानी की? तबीयत बिल्कुल ठीक है अम्मी, बस जगह नहीं है ना तो दिल कम लग रहा है। अच्छा तेरी सास ने कुछ गहने कुछ जेवर भेजे हैं, कुछ मैंने अपने भी निकाल के रखे, आजा जरा देख ले, पसंद कर ले, अगर कुछ कोई नया सेट बनवाना है तो वो भी बता दे। उन्होंने अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना। अम्मी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सब में, और जल्दी किस बात की है? मैं कुछ अरसा तो आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। आप लोग मुझे इतनी जल्दी रुखसत क्यों करना चाहते हैं? मैं सदकी, मैं वही मेरा बस चले तो मैं तुझे एक पल के लिए भी खुद से जुदा ना करूं, एक लम्हे को भी तुझे अपनी नजरों से ओझल ना होने दूं। पर क्या करें, यही रिवाज है, यही यही जमाने की रीत है कि बेटियों को अपने जिगर के टुकड़ों को एक ना एक दिन खुद से जुदा करना पड़ता है माओं को। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इतनी जल्दी रुखसत करके अपने आप से अलग कर दें। क्या बात है अम्मी जी, क्यों रो रही है? देख तो जरा इसे, सदा कब साथ रहती हैं धिया निमानिया, तुम ही कुछ समझाओ इस पगली को। अम्मी जी आप जाकर आराम करें, इसका दिल तो है ही चिड़िया जितना। जाने रब ने ये बेटियां क्यों बनाई थी, और अगर बनाई थी तो फिर माओं के कलेजे क्यों पत्थर के नहीं बने?